ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। सो एक्वेरियस, आप अपनी रीडिंग सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और बाद में देखेंगे कि आप गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन जो है, लाइक यू हैव इमोशंस, लेकिन अब होता है ना कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो एंड शोइंग समथिंग एल्स, मतलब अंदर कुछ और है लेकिन शो आप कुछ और कर रहे हो। तो वो वाली एनर्जी मुझे एक्वेरियस की तरफ से दिखाई दे रही है, यू नो। ऑन द अदर हैंड, ये इसका रीज़न हो सकता है, मैं ये नहीं है कि आप लाइक आपको इसमें एंजल्स कुछ बोल रहे हैं दैट आपकी गलती है, बट इसका कोई रीज़न हो सकता है, राइट। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ओके, कुछ के लिए हो सकता है देयर इज़ समबडी, हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, कोई न्यू पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब दो तरीके हैं कि या तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड लेने से, वो एक लीप ऑफ फेथ लेने से डरते हैं, ओके, कोई अगर कोई और पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ओके। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट यू हैव द डीप बॉन्ड, और ये पर्सन, इनको पता है, ये भी फील कर रहे हैं, इनको ये मालूम है, ओके, दे आर फीलिंग दैट, बट इट इज़ जस्ट दैट कि वो आपकी तरफ वो लीप ऑफ फेथ लेने से घबराते हैं। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ठीक है, बट सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे स्टक लग रही है। क्या वो एक्शन लेंगे? यस, एक्शन तो लेंगे, लेकिन मुझे लगता है उस चीज़ को टाइम लग सकता है। अब हो सकता है कि ये ऑलरेडी फैमिली पर्सन है, या ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ ऐसा है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, ये भी हो सकता है। या आप, आई डोंट नो, बट मुझे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग अ कम्युनिकेशन, कि आप किसी के साथ एक कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू नो, सो दैट यू कैन टॉक टू ईच अदर, बात हो सके, कम्युनिकेट कर सके। तो कोई यहाँ मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, एंड मतलब स्टेप फॉरवर्ड, वो एनर्जीज हमको दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि अपने आप को, यू नो, सिचुएशन के हिसाब से तैयार करना कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ओके, और मतलब ओपनिंग चक्रा, हार्ट चक्रा ओपन अप करना। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ लव, एंड मोर ओवर हो सकता है कि आप डिटरमाइंड है, आप किसी कोई रिलेशनशिप चाह रहे हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, या चाहते हैं कि वो पर्सन खुद से रीच आउट करें। एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? पर्सनल रिचेस, ओके, एक तो ये दिखाई दे रहा है कि इट इज़ अबाउट दैट लाइक यू आर गोइंग टू अचीव स्मॉल सक्सेस, बिगर वन ऑन द वे है, फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं, प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा चल सकता है। शादी के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो भी काम कर सकता है, दैट समबडी कैन प्रपोज यू, रीच यू, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं तो शादी के भी पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सनशाइन का कार्ड आ रहा है, इट्स वेरी पॉजिटिव एंड ब्राइट कार्ड। किसी के साथ कम्युनिकेशन आराम से हो सकती है, पॉजिटिव वर्क आउटकम, आपके जो एफर्ट्स हैं, जो भी आप जिस चीज़ पर भी आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, वो आई थिंक आपको उसके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। चलिए, ये एनर्जी दिखाई दे रही है एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए, ठीक है, और करियर के लिए भी हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं। नाउ बाकी बाद में देखेंगे, बट पहले अब एक्चुअली में हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? ओके, रिकग्निशन, मुझे लगता है कि आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, रिकग्निशन फॉर योर वर्क, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इट्स अबाउट ग्रोथ, स्टेबिलिटी इन योर करियर, इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा इस बार
आपने ठान लिया चाहे रिलेशनशिप को करियर यू आर गोइंग टू अचीव, ठीक है, अगेन मैजिशियन एनर्जी आ रही है. हो सकता है कि आपने भगवान को प्रार्थना कर रखी है कि आप ये काम कर दो, मैं तो ऐसे करूँगा, मैं तो इतना, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस, लाइक यू आर डूइंग वंडरफुल, अमेजिंग, ओके. और सब कुछ सबके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है. जॉब करते हैं तब भी, बिजनेस करते हैं तब भी, ऑल इन ऑल सीम्स टू बी वेरी गुड वीक फॉर करियर ग्रोथ अचीवमेंट, और आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है. तो तैयार रहिए. एंड फॉर एवरी वन जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, एनी सेक्टर, ओके, जो भी आप काम करते हैं, गाइडेंस क्या है, अपने माइंड को क्लियर रखिए. मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यू नीड टू क्लियर योर माइंड एंड यू शुड ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, ओके. विक्ट्री सक्सेस के लिए तैयार हो जाइए. एंजल्स आपको यहाँ कहना चाहते हैं, समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू चेंज एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. आप बहुत अच्छी हैप्पी वाइब्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है आपके अराउंड, और आप काफ़ी हैप्पी होने वाले हैं एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्किंग फॉर यू. मुझे लगता है कि कुछ आपके फेवर में हो सकता है. इमोशनल कंटेंटमेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, दैट यू विल बी क्वाइट कंटेंट एंड हैप्पी, ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं. ओके, थ्रोन, योर पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत काबिलियत है एंड यूनिवर्स का कार्ड आ रहा है. दैट मींस यूनिवर्स इज़ विद यू, यूनिवर्स इज़ क्लोजली वॉचिंग यू. और हो सकता है कि आप कोई चीज़ के लिए जैसे तैयार हैं, रेडी हैं टू एक्सप्लोर, टू शाइन ब्राइट, टू अचीव, ओके, आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ में. सो एक बहुत ही वंडरफुल एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. डू इट फॉर यू, एंजल्स कह रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग डू इट फॉर यू. ऑफकोर्स ये आपके लिए है, आपको तैयार करने के लिए है. कुछ के लिए हो सकता है दैट यू मे गेट योर आंसर्स. आपकी कोई विश, आपको शुरू से हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आप अपने लाइक मे बी इट्स अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू यू नो, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, या आपको अपने पे विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, या कोई चीज़ है जैसे आपको यू नो खुद से रिलेटेड जो बहुत आप सोचते हैं, बट आपको आंसर्स मिलेंगे. एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यू हैव ऑल द आंसर्स. अब आपको साइंस के थ्रू मिल सकते हैं, सिंक्रोनिसिटी, नंबर, बटरफ्लाइज, कुछ भी हो सकता है, बट आंसर इज़ विद इन यू. अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैबुलस फॉर यू. और ये एक काफ़ी अच्छा पीरियड होने वाला है आपके लिए. तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी फॉर ऑल द क्या कहते हैं एक्वेरियस पीपल, कि बी रेडी, यू नो, अपने आप को रेडी रखिए और पॉजिटिव रहिए. चलिए, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके भी, बट करियर को लेके स्पेशली कुछ अच्छा होने वाला है. साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, मास्टर्स विल, ओके. सो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आप जिस भी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, जिस भी फेज के थ्रू निकल रहे हैं, आई थिंक वो आपके मास्टर के विल के अकॉर्डिंगली हो रहा है. मतलब जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, ओके. गो थ्रू इट विद अ स्माइल. तो उस चीज़ के थ्रू निकलिए विद अ स्माइल ऑन योर फेस. तो अपनी फेस पे स्माइल रखिए और पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते जाइए. ये मैसेज है. एंड डोंट जज, जज मत कीजिए, बी द लाइट. वाओ, तो यहाँ पर आपको साईं बाबा कहना चाहते हैं कि हो सकता है आप लाइट वर्कर हैं, हो सकता है आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, यू आर गाइडिंग पीपल, यू आर हेल्पिंग पीपल, लाइक कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल. तो अपना काम उस तरीके से कीजिए जहाँ पे आपको ये सोच कर कि यस, आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, इन अ गुड वे. अगर अच्छी इंटेंशन से कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छा ही है. रिलेशनशिप वाइज भी वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट गिव योर 100% बेस्ट. बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि आप यू नो दुविधा में हैं, सो ट्रस्ट कीजिए, श्रद्धा रखिए और सबूरी. यहाँ पे साईं बाबा का मैसेज है, श्रद्धा और सबूरी. बी पेशेंट, इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट. वेट कीजिए और ट्रस्ट कीजिए अगर किसी बात का आपको आंसर नहीं मिल रहा, ओके. सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी. और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.